मीरा भाईंदर में वाहतूक पुलिस की जोरदार कार्रवाई, बिना कागज पत्र के गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। बीते दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई की तरफ से आने वाली रिक्शा पर भी कार्रवाई की, जिसपे लगभग 20,000 का जुर्माना लगा है, जो कि अब तक का बड़ा जुर्माना है। बताया जा रहा है कि इस रिक्शे पे 2017 से जुर्माना लगा है, पर वो टाल मटोल कर रहा था। आखिरकार उसकी रिक्शा नौघर ट्रैफिक पुलिस के हाथों आ गई। रिक्शा जब्त कर पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। आइए जानते हैं कि PSI MG पाटिल का क्या कहना है। आज इन दिनों में कल से और आज के बीच में खबर चल रही है जो हमें सुनने को मिला है कि आपने एक ऑटो रिक्शा कब्जे में लिया है जिसपे आज तक का सबसे हाईएस्ट फाइन आपने मारा है 19 से 20 हजार। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, IG साहब का भाईंदर में मीटिंग हुआ था, माननीय IG साहब कोकण रेंज नवीन मुंबई, और हमारा माननीय डॉक्टर शिवाजी राठौड़ साहब थे और एडिशनल SP डॉक्टर संजय कुमार पाटिल साहब थे, DYSP भोसले साहब थे और PI अनिल पवार साहब थे। वो टाइम पे एक क्वेश्चन IG साहब ने पूछा था कि बाबा मुंबई का रिक्शा वाले के बारे में आप क्या कार्रवाई करते हैं, पर हमारा PI साहब ने बताया कि सर उनका जो परमिट है मुंबई टू ठाणा में छोड़ने का और जाते टाइम जिधर खड़ा न रखे रनिंग में जो जो भाड़ा मिलता है वो लेके जाने का, और इधर का जो बम्बे का रिक्शा वाले क्या करते हैं कि उधर से भाड़ा छोड़ के एक एक दो दो घंटा इधर खड़ा रहते हैं और भाड़ा भर के जाते हैं, और MH 04 वाले को भाड़ा मिलता नहीं। फिर ऐसा हम लोगों ने PI अनिल पवार साहब के नेतृत्व में कार्रवाई चालू किया। चालू करने के बाद में डेली 50-60 केसेस हमारा बॉम्बे के ऑटो वाले के ऊपर चालू हो गया, और कल हमको एक पेजेंट पार्क में नाकाबंदी करते टाइम एक ऑटो मिला, डाउटफुल लगा, मैंने उसको साइड में लगाया। साइड में लगाने के बाद में वो गाड़ी लेके मैं इधर गोल्डन एस लेके आया। लेके आने के बाद में उसका पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया, उसका फिटनेस ख़त्म था, इंश्योरेंस ख़त्म था, और उसमें कागज़ कुछ भी नहीं था, और टोटल पीछे का जो फाइन था 14,400 रुपया, और टोटल ये फाइन हमने मारा, और गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स का फाइन 5,400 ये भी मारा, और ये ऐसा जो स्क्रैप गाड़ी बम्बई में बम्बई टू इधर ला के चलाते लोग, उसको वरिष्ठ के आदेश के अनुसार उसको कंट्रोल होना चाहिए, और किधर एक्सीडेंट विक्सीडेंट हो गया उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता ना, वो डॉक्यूमेंट नहीं रहने के बाद में पब्लिक का हानि नहीं होना चाहिए, और ये हम लोग PI अनिल पवार के आदेश से हम उनके ऊपर कार्रवाई चालू है हमारा। पाटिल साहब, ये तो हो गया एक ऑटो रिक्शा जिसके बारे में आपने बताया, जो लोग ये गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं, इंसान की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई बनती है इसके तहत? नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई हमारा चालू है। जिसके पास लाइसेंस बैच ने हमें 207 के नोटिस के नोटिस दे के हम गाड़ी गोडाउन में जमा करते और कोर्ट में भेज देते उनको। जिस तरह से आजकल आपकी कार्रवाई चल रही है, तो आपको ऐसा शक है कि और भी कुछ ऐसे ऑटो रिक्शा आपको मिलेंगे जिसमें ये सब गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं? ये बात ऐसा है कि डेली हमारा कार्रवाई चालू है, कम से कम अभी 70% के लोग तो कम हुआ है, और हमारा जो PI अनिल पवार साहब है उनका सख्त इंटरेक्शन से हम डे नाइट हमारा काम चालू है, और कम से कम अच्छा रोड पे जिसका कागज़ पत्र क्लियर है, लाइसेंस क्लियर है, बैच क्लियर है, परमिट क्लियर है, ये लोग रोड पे चलना चाहिए। और दूसरी बात, जो बॉम्बे का जो ऑटो है, बॉम्बे के ऑटो के बारे में कार्रवाई करने के हमारा चालू है, लेकिन कुछ लोगों का विरोध भी कर रहे हैं हमारे खिलाफ़, और वो विरोध हम कायदेशीर कार्रवाई करने के बाद में हमको कुछ टेंशन नहीं है। पाटिल साहब, आपके कर्मचारी ने मीरा रोड स्टेशन पे लोगों के ईयरफोन लिए जो एक बहुत अच्छा काम किया और उसको जलाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत एक सराहनीय काम उन्होंने किया? वो अच्छा किया उसने, और पावर साहब का भी सख्त इंटरेक्शन था ना, और पीछे जो पब्लिक बैठते कान पे ईयरफोन लगा के चलाते वो टाइम पे पीछे वाला जो पैसेंजर रहता है, बाबा मेरौड रेलवे स्टेशन चलो, वो मेरौड रेलवे स्टेशन से दूसरे जगह पे जब भी लेके जाता है गाड़ी रुकाता है, वो टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा जो पुलिस हवलदार है उधर, उसने अच्छा काम किया है, और हर जगह पे उनका प्रोसेस हो रहा है।